अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डिजाइनर कुर्ता। तो इसको सीखने के लिए दोस्तों वीडियो को आप एंड तक देखें, और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और दोस्तों अगर आप सिलाई सीखना चाहते हैं तो सिलाई का कोर्स हमारा रेडी है, और अगर आपको हमारे पैटर्न चाहिए तो पैटर्न भी हमारे आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, या जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप उस पर हमसे बात भी कर सकते हैं। हम आपको सब कुछ उसमें बता देंगे कि किस तरीके से हमारा कोर्स है और क्या क्या चीज़ है और किस तरीके के हमारे पास पैटर्न है। तो दोस्तों आप करते हैं हम वीडियो को शुरू। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने पहले एक कटिंग कर रखी है, ये सिंपल एक कमीज है जैसे कि हाई नेक होती है उस तरीके से हमने इसको अपने साइज के हिसाब से कटिंग कर ली है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ आपको समझाना है कि इसमें डिजाइन किस तरीके से बनाएंगे। तो ये इसकी बाजू है, इस बाजू को भी एक साइड से रख देते हैं। ये देखिए, ये हमें आगे पट्टी बनानी है और ये इसकी नीचे की बटन टेक बनानी है। तो ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको हम इस तरीके से उठाएंगे और बैक वाले को हम पल्ले को एक साइड से रख देंगे ऐसे करके। तो सबसे पहले देखिए हमें इसके अंदर करना क्या होता है, जो डिजाइन जो बनाएंगे हम उसमें, जैसे कि हमने ये कपड़ा लिया है एक, इसकी पहले देखिए हम आपको लंबाई बता देते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो 40 इंच है। आप अपने साइज के हिसाब से इसको बना सकते हैं। तो देखिए 40 इंच इसकी लंबाई है इसके अंदर, ये देखिए ये 40 इंच है। अब इसके अंदर जो हमने ये कपड़ा ये लिया है, ये देखिए ये 4 फोल्ड में इस तरीके से जितना इसका अर्ज होता है, ये पूरा ही अर्ज है। देखिए इस तरीके से खोलेंगे तो इस साइड में भी करनी है, इस साइड में भी करनी है। इसको हमें देखिए लगाना है डिजाइन के हिसाब से। तो इसको हमने लिया है इससे कम 6 से 7 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में, 7 इंच के करीब एक्स्ट्रा लिया है। ये हमारा 47-48 इंच है। इस तरीके से हम कन्नी जो है इसकी यहाँ से काट देंगे, क्योंकि इसको हमें पहले चारों तरफ से फोल्ड करना है। कन्नी इस तरीके से देखिए इसको हटा देते हैं, और ये जो कन्नी है इसको देखिए, क्योंकि कन्नी अगर इसमें हम फोल्ड करेंगे ना तो कन्नी फोल्ड करने से थोड़ा खिंचाव आ जाता है। इस तरीके से देखिए ऐसे करके लेंगे, क्योंकि कपड़ा ये ऐसा है कि इसको इस तरीके से कट लगा के और ऐसे करके खींच देंगे तो ये आपका आराम से सीधा फट जाएगा। इस तरीके से देखिए, ये देखिए इधर से भी। अब ये दूसरी वाली साइड है, इसको भी देखिए हम इस तरीके से यहाँ से कट मारेंगे और इस तरीके से देखिए इसको फाड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से फाड़ने के बाद में अब हमें करना क्या है, इसके अंदर हमें यहाँ से देखिए इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए 3 साइड हमें ये फोल्ड कर लेनी है, इतनी जितनी बारीक आप फोल्ड कर सकते हैं उस तरीके से हम 3 साइड इस तरीके से देखिए। ये हमारा आड़ा वाला हिस्सा आ गया, और ये एक हिस्सा हम खड़ा वाला करेंगे और दूसरा भी आड़ा वाला करेंगे, ठीक है। तो हम ये हिस्से हम पहले फोल्ड कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों चलते हैं मशीन पर। तो ये देखिए दोस्तों, इसको जितना बारीक आप फोल्ड कर सकते हैं उतना फोल्ड कर लें। देखिए इस तरीके से मैं इसको करूँगा ऐसे, और एक फोल्ड इस तरीके से देखिए ऐसे करके पीछे का ये धागा इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे जब सिलाई लगाएंगे, और इस तरीके से देखिए ये सिलाई लगाएंगे ऐसे। ये देखिए ये इस तरीके से ये बारीक सा ये फोल्ड कराया हमने, इसी तरीके से ये पूरा फोल्ड कर लेंगे जितनी भी हमें साइड फोल्ड करनी है उस तरीके से, फिर बाद में आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से हमने ये पूरा फोल्ड कर लिया है। हमने इसमें 3 साइड फोल्ड नहीं करी है, हमने सिर्फ 2 फोल्ड करी है, क्योंकि एक साइड जो आएगी हमारी कंधी में आ जाएगी और दूसरी वाली जो साइड है ये हमारी चाक की तरफ आ जाएगी। तो दोनों को हमने छोड़ दिया है, और 2 हमने ये जो नीचे वाले हिस्से में आएगी और जो साइड से ये एक आएगी इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब ये देखिए इसमें हमें करना क्या है, इस तरीके से हमें एक निशान लगाना है 3 से 3.5 इंच का। इस तरीके से देखिए ये जो है इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, देखिए इसे 3.5 इंच का ये। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में हम प्रेस से इस पर देखिए इस तरीके से लगाएंगे प्रेस को, इसको फोल्ड कर लेंगे ऐसे। फोल्ड करने के बाद में देखिए इसको हमें इस तरीके से खोल के ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके कपड़ा जो है नीचे का इसको अच्छी तरीके से सेट कर लें एकदम बिल्कुल सही करके, क्योंकि इसमें अगर हल्का सा भी कहीं पे झोल वोल हो जाएगा तो आपकी ये जो लाइन है ये वाली आपकी तिरछी हो जाएगी। इस तरीके से इसके अंदर हम इसको जैसे 3.5 इंच ये हमने लिया है, इसको तकरीबन 2.5 इंच इस तरीके से ये गहरी हम कर देंगे इसको प्लेट को, यहाँ से देखिए ऐसे करके इस तरीके से करेंगे अच्छी तरीके से इसको, देखिए हाथ से ऐसे करके सेट करेंगे तो आराम से हो जाएगा ऐसे करके, और इसको लगा लेंगे हम प्रेस।
इतनी इस पे। अब इसी तरीके से देखिए, हम यहाँ से लेंगे आधा इंच और अंदर की साइड में इसको भी हम 2.5 से 3 इंच के करीब इसको अंदर कर देंगे ऐसे करके, और ये भी डालेंगे हम इस तरीके से। देखिए प्लेट ये आ जाएगी, देखिए हमारी 3 इंच गहरी डालेंगे, ये ऊपर वाली हमारी है 2.5 इंच की, इस तरीके से। ये 3 इंच देखिए किस तरीके से आएगी, जो प्लेट ये वाली है, ये हमने 1/2 इंच का इधर गैप लिया और इसके बराबर से हम प्लेट डाल देंगे, तो ये हो जाएगी हमारी 3 इंच गहरी। इसको भी देखिए इस तरीके से हम लगा लेंगे प्रेस। अब ये देखिए तीसरी प्लेट जो डालेंगे, ये देखिए ये जो धागे हैं इनको इस तरीके से छुटा देंगे इस तरीके से ही, ये भी हम 3 इंच गहरी, इसको देखिए ऐसे करके, क्योंकि ये जो प्लेट देखिए यहाँ से पता चलेगी, जैसे अब जब डालेंगे तो यहाँ से 1/2 इंच का इसमें गैप कर देंगे ऐसे करके, जो हमारी 1/2 इंच की ऊपर की साइड में है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने 5 प्लेटें डालनी है और ये लास्ट वाली प्लेट जो है यहाँ पे आएगी। तो इस साइड को अब हम यहाँ पे जितना भी हमारे चाक से बचेगा तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद में जब इसको हम फोल्ड करेंगे ना, तो ये अंदर की साइड ऐसे करके ये चला जाएगा। इसको जो तैयार करना होता है, तो वो तैयार करना होता है देखिए, जैसे ये हमारा तीरा है और तीरे की ये यहाँ से ये कंधी जो होती है, देखिए इस तरीके से ये कंधी है हमारी 6 इंच 1/4 इंच के करीब। तो इसको जो हमें तैयार करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, इससे हल्का सा कम करना है। तो ये हमारा 6 इंच एक सूत है, मतलब ये हमारा बिल्कुल एकदम ठीक है। अगर इससे हल्का सा और भी कम हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारा मार्जिन आ जाता है, तो इस हिसाब से, क्योंकि ये जो है हमारा यहाँ कंधे पे इस तरीके से आएगा ऐसे करके, तो ये हमारा यहाँ से बचा हुआ होना चाहिए, या हल्का सा यहाँ पे दब भी जाएगा जब भी, कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आप, ये हमने ये फोल्ड कराया, अब इस पर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद में हम इसको अटैच करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है कि जो हमें ये पट्टी बनानी है आगे की, देखिए जैसे हमने ये पेस्टिंग ये चिपका ली है, और इसी तरीके से देखिए जो हमारा जो दूसरा वाला पल्ला है उसको भी हम सेट कर लेंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पे बटन टेक के लिए हम पट्टी बनाएंगे। तो अब बाकी और क्या करेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमने प्लेट डाली थी, तो इस तरीके से हमें प्लेट को बिल्कुल अच्छे तरीके से, जैसे हमने लजाई थी प्रेस से, बिल्कुल एकदम रख लिए, और इस साइड में हमने यहाँ पे सिलाई लगा के इसको यहाँ से इस तरीके से कर दिया अंदर की साइड में, क्योंकि ये हमें यहाँ पे पक्का चाहिए इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से अब ये सिलाई हम लगा देंगे यहाँ पे ऐसे करके, जिससे कि हमारी सारी प्लेटें जो हैं वो एक साथ में अटैच हो जाएंगी ऐसे करके। ये देखिए जब हमारी ये सिलाई लग गई, अब हमारी प्लेटें कहीं नहीं जाएंगी, ये देखिए ऐसे, अब ये बिल्कुल यहीं पर रहेंगी। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको एक तरफ रख देते हैं उठा के ऐसे करके। ये देखिए, ये हमने जो बटन टेक बनाई है ये वाली, और ये बटन वाली है, और ये काज वाली है। इसके लिए हम देखिए इसको कटिंग करेंगे यहाँ से, इस तरीके से निशान लगाएंगे, और ये करेंगे हम 10 इंच इस तरीके से निशान लगा के। बिल्कुल सेंटर से ही आपको काट लेना है ऐसे करके, और काटने के बाद में देखिए इस साइड में जब ये खोलेंगे, खोलने के बाद में इस साइड में हमें ये जो जिस पे हमने पेस्टिंग नहीं चिपकाई है, इस कपड़े को हम ऐसे करके रखेंगे नीचे से इस तरीके से मिला के ऐसे करके, जो ऊपर निकल रहा है इसको निकलने देंगे, और इस तरीके से हम लगाएंगे इसमें सिलाई। ये देखिए इस तरीके से रख लेंगे हाथ पीछे, ताकि हमारी सिलाई कहीं पे खींचे नहीं ऐसे, और इस तरीके से लगा देंगे सिलाई यहाँ पर, पक्का कर देंगे ऐसे करके, और ये धागा काट के। अब ये देखिए जो पट्टी है ये वाली, इसको हमें नखून से ऐसे करके सेट कर देनी है इस तरीके से, देखिए, और इसको ऐसे करके जो हमने ये सिलाई लगाई थी अभी, बिल्कुल सेम उसी जगह पे ही ऐसे करके इसको फोल्ड करेंगे, और ये देखिए जहाँ पे सिलाई लगाई है बिल्कुल सेम इसी जगह पे इसको ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद में एक सिलाई लगा देंगे ऐसे करके। ये हो जाएगी हमारी बटन टेक, जिसमें कि हमारे बटन लगते हैं इस तरीके से। ये मैं आपको इसलिए पूरी दिखा रहा हूँ पट्टी की, ये वाली पट्टी किस तरीके से बनाई जाती है, ये आप लोगों को बिल्कुल आराम से समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरीके से इसको काट देंगे यहाँ से, और ये काट देंगे यहाँ से। अब ये देखिए इसको हम इस तरीके से उल्टा करके रखेंगे, और ये जो हमने पट्टी इस तरीके से देखिए, इसमें पेपर पेस्टिंग जो आती है इसकी पट्टी की, वो हमने पेस्टिंग चिपका ली है।
अब ये हमने यहाँ से देखिए इतना कपड़ा काट दिया है, क्योंकि ये हमारा जो ताबीज होता है आगे का वो एक्स्ट्रा होता है, वो इसके ऊपर आता है। तो हमें देखिए इसको इस तरीके से लेना है, इस कपड़े को यहाँ से देखिए ये कट है, यहाँ पे ऐसे करके रखेंगे और इस तरीके से देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ से लगाएंगे हम इसकी सिलाई ऐसे करके। देखिए ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके सिलाई लगा के इसको कर देंगे यहाँ पर पक्का, और पक्का करने के बाद में इसको हम ऐसे करके काट देंगे। अब ये देखिए काटने के बाद में ये नाखून से ऐसे करके सेट कर देंगे, और सेट करने के बाद में देखिए इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे ऐसे ऊपर की साइड में, और पलटने के बाद में देखिए यहाँ पर हमें कोई कट नहीं लगाना है क्योंकि पहले ही हमने कपड़ा काट रखा है। इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से देखिए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, इधर से सिलाई लगा के और यहाँ पे पक्का करके और फिर ये सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसको देखिए इस तरीके से हम ऐसे करके ये सिलाई लगाएंगे इधर से ऐसे, और ये देखिए जब ये सिलाई लगाएंगे तो इसको इस तरीके से एकदम अच्छी तरीके से बिठा देंगे ताकि कहीं ये कपड़ा इधर बाहर ना निकले। ये देखिए ऐसे करके ये देखिए यहाँ पे लाएंगे इसको बिल्कुल ऐसे करके बराबर से, और ये पीछे हाथ रख लेंगे ऐसे करके और ये सिलाई। अब ये देखिए इसको इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड करेंगे, ये हमारा जो सेंटर आ रहा है ये जो हमारी क्रीज बनी हुई है ये जो नोक है इसकी बिल्कुल इसी पे ही आना चाहिए ऐसे करके। देखिए ये देखिए ऐसे करके अब ये देखिए ये जो हमने ये पट्टी जो लगाई है ये वाली बटन टेक वाली, इसको अब इसके ऊपर ऐसे करके रखेंगे बिल्कुल हल्का सा आगे करके ये वाली पट्टी देखिए ऐसे, और ये ऐसे करके यहाँ तक ऐसे करके सिलाई लगाएंगे, और सिलाई लगाने के बाद में ये बना देंगे इस तरीके से यहाँ पे ताबीज। ये देखिए ऐसे करके और ये डबल सिलाई लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लाके कर देंगे सिलाई को पक्का। अब ये पक्की करने के बाद में हम सिलाई यहाँ से देखिए इस तरीके से ये काट देंगे। अब ये काटने के बाद में इस तरीके से इस कपड़े को ऐसे कर देंगे और इसके ऊपर जो लगाएंगे हम ऐसे करके देखिए सिलाई यहाँ पे भी पक्का कर देंगे ऐसे। इस तरीके से देखिए ये हमारी पट्टी पर दोनों तरफ सिलाई आ गई इस तरीके से। अब ये मैं सारे धागे काट लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये इस तरीके से हमारी ये पूरी पट्टी सेट हो गई है। अब इसको हम देखिए इस तरीके से करेंगे ऐसे करके, और जो हमने ये प्लेटें डाली थी ये वाला कपड़ा हम इसमें लेंगे, और यहाँ पे देखिए कंधी पे इस तरीके से हम यहाँ पे जितना हमारा कॉलर चढ़ेगा एक दो सूत इस तरीके से लगा के और ऐसे करके हम यहाँ से ये कच्चा करेंगे भाई। इस साइड में हमें थोड़ा सा ये कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है नीचे वाला। ये देखिए इस तरीके से ये हमारी कंधे में हो गया। अब इसकी जो बाकी प्लेटें हैं इसको हमें करना पड़ेगी काउंटर पे जाके सेट। तो अब हम काउंटर पे जाके इसको सेट करके यहाँ पे फिर आपको बताएंगे। तो ये देखिए दोस्तों इसको हमें इस तरीके से सेट करना है। ये देखिए ये जो हमारे ये कुर्ता है इसकी जो नोक आती है इससे एक इंच हमें ऊपर करके इसको इस तरीके से देखिए कपड़े को यहाँ से रख देना है। और ये हमने जो इसमें पांच प्लेटें डाली है सिर्फ ये तीन प्लेटों को हमें साइड से इस तरीके से लेके जाना है यहाँ पे, और इस तरीके से देखिए हमने ये यहाँ पे एक कोना ये छोड़ दिया है। अब इसको क्या करेंगे जैसे ये पिन ले लेंगे, इस पिन की मदद से देखिए ऐसे इस तरीके से हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे इसे, ताकि ये हमारी प्लेट जो है एकदम इस तरीके से ये बैठ ही रहे। ये देखिए ऐसे करके अब इसको हमें करना क्या है, जो ये वाला हिस्सा है इसका घेरे का इसको फोल्ड कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। पहले एक सिलाई लगा के हम यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे ऐसे करके ये प्लेट डाल के, और उसके बाद में इसको हम पूरा फोल्ड कर देंगे साथ में, और नीचे वाला कर देंगे इसको हटा के अलग। तो ये पहले हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए यहाँ से इस तरीके से लेंगे, ये जो है इस तरीके से इसको उल्टा कर लेते हैं। देखिए उल्टा इस तरीके से करेंगे ऐसे करके, इसको कच्चा करना पड़ेगा हमें। देखिए जैसे ये प्लेट है हमारी,
हमें यहाँ पे एक सिलाई लगाना पड़ेगी इस तरीके से, जहाँ पे हमने ये प्लेटें डाली हैं, तो ये रुक जाएंगी और उसके बाद में हम इसको कच्चा कर लेंगे इसके साथ में ही। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से हमने तीनों प्लेटों को इस तरीके से सिलाई लगा ली है। और ये देखिए, मैं आपको इस तरीके से उल्टा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये देखिए, ये जो कपड़ा है हमारा एक्स्ट्रा वाला, इसको हम इस तरीके से काट देंगे। अब ये काटने के बाद में देखिए, यहाँ से हमें चाक इसके खोलने हैं, तो ये कट हम इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पे, और ये हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से करेंगे इस वाली साइड से ऐसे करके। तो इस तरीके से ये हम पूरा इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इसको इस तरीके से, और ये नीचे का घेरा आ जाएगा, इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। अब ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने ये फोल्ड करा है, ये वाला इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे आके इसको हमें यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करके फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने ये फोल्ड कर लिया है घेरा और चाक, और इसी तरीके से सेम मैंने ये बैक का भी फोल्ड कर लिया। अब इसको फोल्ड करने के बाद में देखिए, बैक को हमें इस तरीके से रखना है, ये सीधा, जो ये हमारा सीधा आएगा, ये देखिए ये उल्टा है, जो हमारा ये फोल्ड जाता है, इसको इस तरीके से रखना है। अब हमें इसकी कंधी ज्वाइंट करनी है। देखिए, जो हमने ये कंधी है ये वाली, इस तरीके से इसको रखेंगे हम सीधा बैक को, और इसको रखेंगे उल्टा इस तरीके से। देखिए, हमें यहाँ से मिलाना है ऐसे करके, जितना भी हमारा तीरा जो निकलेगा वो सब हम यहाँ से निकालेंगे, इस साइड से हम बिल्कुल बराबर करके लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब इसको भी देखिए, हम यहाँ से इस तरीके से इतना हमारा ये निकल गया है, इसको भी रखेंगे ऐसे करके निकाल के। और ये देखिए, ये हमारा आ जाएगा इस तरीके से बराबर। अब हम कर लेते हैं यहाँ पे इंटरलॉक, और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पे इंटरलॉक कर लिया, और इसके ऊपर इस तरीके से हमने यहाँ पे लगा दी एक सिलाई दोनों कंधी पे। अब ये सिलाई लगाने के बाद में देखिए, ये पेस्टिंग हमने ली है, इसमें से हमें काटना है कॉलर। तो इसका जो हाला हमने नापा है वो आ रहा है टोटल हमारा 17 इंच, और इसके अंदर जो हमें कॉलर डालना है वो हमारा पड़ेगा 16 इंच का। ये देखिए, इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे दोनों, और ये इस तरीके से हमने इसको नापा है। ये देखें, तो ये आ रहा 8.5, तो ये 17 हो गया, और कॉलर काटेंगे हम इसका 16 इंच। तो इस तरीके से देखिए निशान लगाएंगे, ये देखिए ऐसे करके, और यहाँ से हमें कर रखना है इसको 0.5 इंच, और यहाँ से बिल्कुल नीचे से इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लेके आएंगे, और फिर इसके बाद में इस तरीके से कर देंगे गुलाई, और यहाँ से इस तरीके से लगा के 1 इंच चौड़ा हम कॉलर लगाएंगे इसमें, और यहाँ से भी इस तरीके से देखिए ऊपर से गुलाई कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से काटेंगे ये, और यहाँ से काट के फिर हम इसको पेस्टिंग करके फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने ये पेस्टिंग कर ली है। अब ये जो कपड़ा है इधर का, हमें ये बिल्कुल मार्जिन इस तरीके से बराबर से काट देना है। ये देखिए ऐसे करके, और इस तरीके से बराबर काटने के बाद में अब इसको देखिए, जैसे हमने ये डबल कपड़ा इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, इसमें हमें लगाना है यहाँ पे बिल्कुल इसके किनार पे सिलाई इस तरीके से देखिए, और गुलाई पे सिलाई एकदम बिल्कुल आराम से लगाएंगे, क्योंकि इस तरीके से गुलाई पे अगर सिलाई आपकी लूज रह जाएगी तो वहाँ से सेफ सही नहीं बैठती। ये देखिए, इस तरीके से लगा के इसको हम यहाँ से कपड़े को काट देंगे, और यहाँ से भी इस तरीके से, और यहाँ पर बीच में लगाएंगे इस तरीके से हम कट, ताकि ये हमारा कॉलर अच्छी तरीके से बैठ जाए। अब ये देखिए, इसको हम इस तरीके से लेंगे और ऐसे करके पलट देंगे, ये
ये देखिए ऐसे पलटने के बाद में हमें इसके ऊपर एक सिलाई लगानी है यहाँ से इस तरीके से टाइट करके। देखिए ये कपड़े को खींच लेंगे इस साइड में ऐसे और यहाँ पर लगानी है देखिए इस तरीके से सिलाई। ये कपड़ा खींचते जाएंगे और इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से लगा के ये वाला भी मार्जिन इस तरीके से देखिए हम काट लेंगे। तो इसको काट लेता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये बिल्कुल बराबर से मैंने ऐसे करके काट लिया है, ये बिल्कुल बराबर से। उसके बाद में यहाँ पे मैंने सेंटर से लगाया एक कट और इसके भी लगाया 20 सेंटर से यहाँ पे मैंने एक कट। अब इसको हमें करना क्या है, ये हमारा पेस्टिंग वाला हिस्सा है जो हमारा ऊपर रहेगा, ये बिना पेस्टिंग वाला है। तो इसको देखिए इस तरीके से हम रखेंगे ऐसे 20 सेंटर से यहाँ से ऐसे करके, ये देखिए ऐसे। और इसको इधर से लगा देंगे हम यहाँ पे सिलाई इस तरीके से एक सूत की 20 सेंटर से हमें ये कॉलर चढ़ाना है इस तरीके से। ये देखिए ऐसे करके। और जब इसको यहाँ पे ले आएंगे तो ये आपको चेक कर लेना है कि ये कॉलर जो है हमारा, ये जो बटन टेक बना हुई है इसके 20 सेंटर में आना चाहिए, ना यहाँ पे आना चाहिए ना आगे आना चाहिए, 20 सेंटर में यहाँ पे आएगा। चाहे तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे, इसलिए जो हमने एक इंच कम करके काटा था वो इसी कारण काटा था कि हमारा ये पूरा नहीं आएगा, क्योंकि 17 इंच हाला था और हमने 16 इंच काटा ये। ये देखिए ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम दूसरी वाली सिलाई जो इधर की है वो भी मैं लगा लूँगा और उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने इस सेट से भी लगा लिए। तो ये कॉलर हमारा है यहाँ पे, देखिए इस तरीके से ये हो गया आगे और इस तरीके से देखिए बिल्कुल ये कहीं पे झोल नहीं है और ये हो गया हमारा इधर। अब इसमें हमें देखिए करना क्या है, एक हमने ये ओरेप कपड़ा इस तरीके से 1.5 इंच चौड़ा काटा है, आप इस तरीके से काट लेंगे। और काटने के बाद में देखिए इसको इस तरीके से कपड़े को रखेंगे ऐसे थोड़ा सा यहाँ से आगे निकाल के इस तरीके से ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। और जहाँ जहाँ हमने कॉलर पे ये सिलाई लगाई थी उसी मार्जिन पे ही हमने सिलाई पे ये सिलाई लगा देनी है, ना ज़्यादा दबाना है ना उससे कम करना है। जहाँ पे सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे, ये देखिए ऐसे करके। और यहाँ पे इस तरीके से पक्का कर देंगे इस तरीके से, देखिए हम यहाँ से ये काट देंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके। अब ये देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे करके, और फोल्ड करने के बाद में फिर हम यहाँ पे इसको इस तरीके से सिलाई लगा देंगे ऐसे करके, ये फोल्ड करके मार्जिन काट के और इस तरीके से हम इसको सिलाई लगा देंगे यहाँ पे ऊपर एक। तो मैं ये सिलाई पहले ये लगा लेता हूँ और उसके बाद में ये वाली सिलाई लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से मैंने ये सिलाई लगा ली और ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में इस तरीके से देखिए, और ये ऊपर से भी इधर से देखिए बिल्कुल ऐसे करके फिनिशिंग से आएगी, यहाँ पर भी देखिए और ये बैक में भी ये इस तरीके से। अब दोस्तों अब हमें बनानी है इसकी बाजू, बाजू हमारी नॉर्मल जैसे बनाते हैं उसी तरीके से बना के और चढ़ा के इसको फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये इसकी इस तरीके से फाइनल लुक है। अब ये देखिए जो यहाँ से हमने ये प्लेटों का जो सारा करा है, तो देखिए ये इस तरीके से आपकी आएंगी और ये प्लेट इस तरीके से आएगी लूज, और ये वाली और ये जो तीन प्लेट हमने करी है, चौथी प्लेट यहाँ पर आएगी और पाँचवीं प्लेट जो है ये हमारी यहाँ से नोक पर जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका इंडो वेस्टर्न जो ये जेंट्स कुर्ता होता है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे ये पार्टी वियर बहुत ही बेहतरीन लगेगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और देखिए ये फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।